नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। आई फ्लू होने के कारण चश्मा पहन रखा है, पहली बार आपने देखा होगा। हम नेपाल के कोलपुर में व्यू टावर पे इस समय खड़े हैं। आप आसपास का नजारा देख सकते हैं। यहाँ पे कई पहाड़ हैं, आप हमारे पीछे पहाड़ देख सकते हैं। इधर झूला भी लगा हुआ है, ये भैया लोग भी आए हैं, कई लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। यहाँ की ऊंचाई लगभग 100 मीटर से ज्यादा होगी, 100 मीटर से ज्यादा लगभग। अपने वहां पे है ना, हमारे उत्तर प्रदेश में 30 मीटर खोदने पे ना पानी निकल आता है। नेपाल में हम 100 मीटर ऊपर खड़े हैं। लेकिन सवाल तो वही रहेगा ना साहब, हम मौजूद तो नेपाल में है लेकिन प्रधानमंत्री जी को कैसे भूल सकते हैं? महंगाई और बेरोजगारी को कैसे भूल सकते हैं? भुखमरी को कैसे भूल सकते हैं? और किसान को और अपने जवान को कैसे भूल सकते हैं? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को कैसे भूल सकते हैं? हमारा सवाल वही है प्रधानमंत्री जी से कि वहां पे ना 500 रुपया, यहाँ पे 750 रुपया, एक समय पे यहाँ पे 800 रुपया हुआ करता था। अब भी अपना पैसा गिर रहा है और प्रधानमंत्री जी बोलने को तैयार नहीं है। हम यहाँ पे घूमने के लिए आए थे ना भैया, फोन थोड़ा सीधा कर लीजिए और दिखा दीजिए भैया। तो यहाँ पे हम घूमने के लिए आए थे ना, यहाँ पे भैया फ्रॉड लोग करते हैं ज्यादा, क्योंकि जब हम बैटरी रिक्शे से शेयर कर रहे थे ना तो दिखाते हैं कच्चा आम और पकड़ाते हैं शिमला मिर्च, जैसे प्रधानमंत्री जी करते हैं, वादा करते हैं बड़ा और काम करते हैं छोटा भी नहीं। तो ठीक उसी प्रकार बैटरी रिक्शे वाले जब बैठा लेते हैं ना तो कहते हैं कि 400 रुपया नेपाली वाला लेंगे और आपको हम घुमा के पहाड़ के पास में छोड़ देंगे, और जब पहाड़ के पास में छोड़ते हैं ना तो कहते हैं इंडियन करेंसी में 400 मांगे। मतलब वो अपना ही कहा सुनेंगे और हम जो बताएंगे ना उस पे भी वो ध्यान नहीं देते हैं। खैर छोड़ो, आज हम फिर वही बात की कि जब हम घूमने के लिए आए हैं ना, आपने हमारी पिछली वीडियो तो देखी ही होगी कि हमने कई कठिनाइयों का सामना किया। ट्रेन मिली नहीं थी तो हम बस में चढ़े, बस से फिर बैटरी रिक्शे से, होटल नहीं मिल रहा था खाने के लिए। यहाँ पे ना शुद्ध शाकाहारी भोजनालय भी आपको जल्दी मिलेगा नहीं, यहाँ पे भोजनालय नहीं मिलेगा। यहाँ पे ना ज्यादा से ज्यादा मांसाहारी सर्वाहारी यही मिलता है, लेकिन हम लोग तो शाकाहारी वाले हैं ना, तो हम लोग एक शर्मा ढाबा पे रुके हुए थे तो वहाँ पे भोजन भी किया था, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। तो यहाँ पे अभी हम टावर पे खड़े हैं और यहाँ के भैया एक बार नीचे का नजारा दिखाइए, कितनी गहराई है? कम से कम 100 फीट से ज्यादा ही होगा। 100 फीट से ज्यादा का मतलब समझ रहे ना, और यहाँ से पहाड़वा इतना दूर दिख रहा है। कम से कम यहाँ से दिखने में तो पास में दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ से महज 1000 किलोमीटर की दूरी पे है, ऐसा यहाँ के सलाहकारों ने बताया। लेकिन हमारे वहां भी बहुत सारे पहाड़ है, राजस्थान चले जाइए भाई, पहाड़ों का शहर जयपुर चले जाइए, वहां भी पहाड़, कई जगह पे पहाड़ मिल जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में भी कई पहाड़ है, हम लोग देवीपाटन मंदिर जाते हैं ना तुलसीपुर, तो वहां भी पहाड़ में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप आसपास में देखोगे ना, जैसे आप ऋषिकेश गए हो ना, नीलकंठ गए हो ना, हरिद्वार गए हो ना, चढ़ते हैं ना तो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, जंगल ही जंगल दिखाई देता है। ऐसा ही नेपाल में दिखाइए भैया, कि ऐसा चारों तरफ सिर्फ आपको जंगल जंगल दिखाई देगा। यही भैया है, इनके साथ में हम आए थे, इन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया, लेकिन इससे पहले जिस बैटरी रिक्शे से आए थे उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया था। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारी बातों से कितना सहमत हैं ये भी हमको बताएं। और एक चीज फिर बताते हैं कि नेपाल में आइए तो दलालों से सावधान रहिए। अपने उत्तर प्रदेश में तो चारों तरफ लिखा रहता है ना, अपने इंडिया में तो लिखा रहता है ना दलालों से सावधान, हमें तो यहाँ पे साहब कोई बोर्ड नहीं दिखा।